आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना लोनी इलाके में बीते दो दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पुलिस सर्विलांस टीम की मदद से हत्या आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं इसी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक देहात ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, 29 तारीख की सुबह को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था नीम मुस्तफा आवास के खेतों में। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया, डॉग स्क्वाड बुलाया गया, फील्ड इवेंट को बुलाया गया। शाम तक इसकी शिनाख्त शावेज नाम के युवक के रूप में हो गई थी। रात्रि में इसके परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी, 302 के तहत FIR दर्ज हुई थी। फिर विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिनसे पूछताछ की गई, तो तीन अभियुक्त दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम वसीम, आकाश और आसिफ हैं। वसीम और आकाश ने हत्या करना स्वीकार किया है। हत्या की मूल वजह आकाश द्वारा कुछ जेवरात जो उसने अपने घर से चुराए थे वो इसने शावेज को दे दिए थे। शावेज से कहा था इसके बदले मुझे पैसा दे, शावेज पैसा देने में मना कर रहा था, इस कारण उन्होंने हत्या कर दी।